हाँ, जिससे जब हम मैं बर्ड लाइफ के ऊपर काम करते, तो नेचुरली पहचान सबसे बड़ा हमारी चीज है, कौन सी क्या स्पीशीज है, क्या रहते हैं, उनके संख्या क्या क्या है, कहाँ पे मिलता है, क्या खाते हैं, नेचुरली उसके ऊपर हमारे मेन दखल होता ही है। तो वल्चर जो है, वल्चर एक ग्रुप में आता है जो हमारे भारत में टोटल 9 प्रकार की जो वल्चर्स मिलती है, गिद्ध जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें से एक प्रकार ये है, इसको हिंदी में सिंपल शब्द में बोलते हैं सफेद गिद्ध बोलता जाता है। बाकी गिद्ध की कलर सफेद रंग नहीं होता है, इसके कलर सिर्फ सफेद होते हैं। तो ये इंडिया में 9 स्पीशीज जो है काफी मात्रा में दिखाई देते थे पहले, और दिल्ली में भी 2-3 स्पीशीज तो यहाँ पे अक्सर दिखाई देते थे। सबसे ज्यादा तो होता है शाहजहां रोड पे, जहाँ पे हमारे सीएम बांग्लो है, इनके आसपास एरिया में बहुत मिलते थे। तो 90s के समय से, 90s के ऊपर हम जितनी आगे आगे आज रह जाए, इसके नाम संख्या बिल्कुल खत्म होते गए। और ये भी पाया गया रिसर्च में, स्टडी में, 95% तक उसका खत्म हो गए थे। तो उसका कारण रिसर्च के बाद पाया गया है कि इसकी खाना अक्सर नहीं मिलता है आसानी से, इसके हैबिटेट, रहने की जगह जो उसका कमी हो रहा है, कभी इलेक्ट्रिक्यूशन, बाकी चीजों से उसका खतरा हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो पाया गया रिसर्च में वो है कि एक दवाई होता है जो गाय भैंस को जो दर्द के लिए, सूजन होता है उसको कम करने के लिए इंजेक्शन, उसको डाइक्लोफेनाक दवाई बोलते हैं, इंसान को भी देते थे लेकिन सबसे ज्यादा उसका डोज दिया जाता था गाय भैंस को, जानवर को। वो खाने के बाद जो मर जाता है शरीर में, वो रह जाता है। तो वो वल्चर की आदत होता है, किसी को मार के नहीं, वो मरा हुआ चीज को खाके साफ करते हैं। इसलिए वल्चर की जरूरत भी इसीलिए है कि हमारे वातावरण में क्या उसका भूमिका है, तो नेचुरल सफाई वाला कहते हैं उसको, जहां पे कि मरा हुआ चीज को बोलने की जरूरत नहीं, उसको 360 एंगल में वो देखते हैं, घूमते हुए पहुंच जाता है और एक घंटे में कुछ ही समय के अंदर खत्म कर देते हैं। तो उसको सड़ने के लिए या वायरस कीटाणु उसके लगने के लिए, जिसके कारण बीमारी फैलता है, वो मौका नहीं देते हैं। इंजेक्शन के कारण जो शरीर में वो जब खाते हैं, उसके शरीर में उसका क्या असर आ जाता था, जल्दी से, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन, बहुत जल्दी से जल्दी उसका हार्ट और किडनी फेल हो जाता, मौत हो जाता था। ये मेन कारण, सबसे बड़ा उसका मॉर्टेलिटी का कारण ये पाया गया था। तो उसके बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो इनको कई संस्था, BNHS, बाकी कोई कंजर्वेशन संस्था जो है, इनको काफी प्रेशर के बाद रिक्वेस्ट हुआ, उन्होंने इसको बैन कर दिया है। तो अभी जो उस मात्रा में जो हाई डोज में मिलता है, वो अभी इंडिया में बैन है। थोड़ी बहुत कम मात्रा में सब्स्टिट्यूट अब मिलता है, लेकिन वो नहीं मिलता। तो उसके कारण, प्लस जो बहुत सारे संस्था जो है, NGOs है, पब्लिक है, जो बर्ड लवर है, नेचुरलिस्ट है, तो धीरे धीरे सबको अवेयरनेस होने के बाद ये इसका थोड़ा सा हल्का हल्का नंबर उसका इंक्रीज होना शुरू हो गया पॉपुलेशन। तो इसका पूरे विश्व में जो अभी जो प्रेजेंट जो IUCN जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है जिनकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी एस्टिमेशन के अनुसार अभी 21,000 से लेकर 38,000 जो है वर्तमान उसके एस्टिमेटेड है। अभी यहाँ पे यमुना में जो दिख रही है इनकी संख्या, ये जो है अभी 2004 में जो रिकॉर्ड किया मैंने भट्टी माइंस साउथ दिल्ली एरिया में, 4 में संख्या में रिकॉर्ड किया। उसके बाद अलग अलग समय के हमने 10 रिकॉर्ड किया, उसके बाद मेरे ख्याल 15 रिकॉर्ड किया, 25 रिकॉर्ड किया।